Geometrical classification of joints. In today's video, we are going to cover this topic. हमने previous video में genetic classification पढ़ा था, which was the most important part. आज हम geometrical classification पढ़ने वाले. आपने folds के भी geometrical और genetic दोनों पढ़े होंगे. Please don't get confused between all these. तो यहाँ पर geometrical classification हम पढ़ेंगे joints का. पहला आता है altitude ऑफ जॉइंट्स एंड बेडिंग प्लेन्स. ठीक है, मतलब अब हाइट के रिस्पेक्ट में आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो चार क्लासिफिकेशन आते हैं, स्ट्राइप जॉइंट, डिप जॉइंट, ऑब्लिक जॉइंट और बेडिंग जॉइंट. ये शायद आपके सेम फॉल्ट्स में भी थे, राइट? तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए. तो स्ट्राइक जॉइंट्स कौन से होते हैं? वो जिसमें स्ट्राइक जो होती है जॉइंट प्लेन की, वो जस्ट पैरेलल होती है किसके? बेडिंग प्लेन की. ठीक है, डिप जॉइंट जिसमें स्ट्राइक परपेंडिकुलर होती है किसके? बेडिंग प्लेन के. ओब्लिक जॉइंट्स जिसमें ना तो स्ट्राइक पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो बेडिंग प्लेन की, उसको ओब्लिक जॉइंट कहेंगे. बेडिंग जॉइंट जिसमें डिप और स्ट्राइक दोनों ही पैरेलल हो किसके? बेडिंग प्लेन के. मैं आपको सजेस्ट करूँगी इन चारों को सिर्फ स्ट्राइक के रिस्पेक्ट में लर्न करिए, वरना डिप जॉइंट को आपको डिप के रिस्पेक्ट में भी दे रखा है कि डिप जो है वो पैरेलल होती है, उसमें दिक्कत आ सकती है. तो आप अगर स्ट्राइक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा. तो जैसे कि हमने पहले बताया, स्ट्राइक जॉइंट्स जो आपकी पैरेलल होती है स्ट्राइक बेडिंग प्लेन की, डिप जॉइंट जिसमें स्ट्राइक परपेंडिकुलर होती है किसकी? बेडिंग प्लेन की. ऑब्लिक जॉइंट जिसमें स्ट्राइक ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो बेडिंग प्लेन के. बेडिंग जॉइंट जिसमें डिप और स्ट्राइक दोनों ही पैरेलल हो बेडिंग प्लेन के. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम. साइज ऑफ जॉइंट, साइज के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है? मास्टर जॉइंट्स मतलब दैट हैव अ ग्रेट डायमेंशन. मेजर जॉइंट विच आर स्मॉलर देन द मास्टर जॉइंट्स एंड दे आर बिगर देन द माइनर जॉइंट्स, जो नीचे वाले, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल साइज के होते हैं. माइनर जॉइंट्स विच आर स्मॉलर देन द मेजर जॉइंट्स, ठीक है ना, दीज आर दोज विच आर फॉर कन्फाइंड विद इन द बेड्स एंड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बेडिंग प्लेन्स. तो ये वो होते हैं जो बेडिंग प्लेन से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, दे डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बेडिंग प्लेन्स. माइक्रो जॉइंट दे आर द वेरी स्मॉलेस्ट टाइप्स. तो मास्टर जॉइंट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है, माइक्रो जॉइंट सबसे स्मॉलेस्ट होता है. ठीक है, मूविंग अहेड द रिलेशन विद द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन. तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे रिलेट करके क्या स्ट्रक्चर, क्या क्लासिफिकेशन बनेगा. पहला, अगर फोल्ड से अगर आप कंपेयर करो या फिर फोल्ड से रिलेशन निकालो तो किस तरीके से निकलेगा. पहला आता है क्रॉस जॉइंट्स. दीज आर द जॉइंट्स विच आर नॉर्मल टू द फोल्ड एक्सिस. जो फोल्ड बनेगा, फोल्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है, दीज आर द वेव लाइक अंडुलेशंस ऑन द अर्थ सरफेस. तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्लासिफिकेशन बताना है. तो सबसे पहले आता है आपका क्रॉस जॉइंट्स. These are the joints which are normal, means perpendicular to the fold axis. Cross joints कौन से हो गए? जो perpendicular हो गए. Longitudinal joints जो parallel हो गए. Diagonal joints जो ना ही perpendicular ना ही parallel. I hope आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये first वाले की just similar ही है. देखिए first वाले में हमने strike joint पढ़ा था, उसका as it is या cross joint है, फ़र्क क्या है दोनों में? ऊपर वाला आपने बेडिंग प्लेन के रिस्पेक्ट में पढ़ा, यहाँ पर आप फोल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, बट द डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम. देखिए स्ट्राइक जॉइंट में क्या होता था, दे आर पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल दिया गया है. लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स दे आर परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन एंड दीज आर पैरेलल टू द एक्सियल एक्सिस, ठीक है. और डैंगलन जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कि आपके ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो. नेक्स्ट रेडियल जॉइंट्स, इसमें वो फोल्डेड कंपार्टमेंट जो आते हैं, वो फोल्डेड लेयर्स आती हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं लोकल ओरिएंटेशन पे, ठीक है ना. उनकी स्ट्राइक क्या होती है, पैरेलल होती है टू द फोल्ड एक्सिस. दे स्ट्राइक पैरेलल टू द फोल्ड एक्सिस. एक्सटेंशन जॉइंट्स आर जनरली कॉल्ड क्रॉस जॉइंट्स और द रेडियल जॉइंट्स. जो एक्सटेंशन जॉइंट्स होते हैं, जो मैंने आपको जेनेटिक क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन किया था, वो एक्सटेंशन जॉइंट्स को ही हम क्रॉस या फिर रेडियल जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या होता है, ये वो रेडियल जॉइंट्स वो आपकी जॉइंट्स होती हैं जो कि आपकी परपेंडिकुलर होती है टू द लोकल ओरिएंटेशन, नॉट ऑल बट टू द लोकल ओरिएंटेशन ओनली. देन कम्स द ज्योमेट्रिकल रिलेशन विद द फॉल्ट्स. फॉल्ट से क्या ज्योमेट्रिकल रिलेशन है? मैनी स्मॉल जॉइंट्स मे डेवलप रफली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द फॉल्ट प्लेन. अब फॉल्ट प्लेन की जो 45 डिग्री एंगल बनाते समय जो डेवलप होते हैं, उनको हम फेदर जॉइंट्स या फिर पिनेट जॉइंट्स कहेंगे. मैंने आपको जेनेटिक क्लासिफिकेशन में बताया ये, तो वही ज्योमेट्रिकल रिलेशन के साथ डिफाइन होता है कि जो आपका जॉइंट 45 डिग्री एंगल बना रहा है फॉल्ट प्लेन के संग, तो वो फेदर के टाइप लगता है, इसीलिए उसको फेदर जॉइंट या फिर पिनेट जॉइंट कहेंगे. गैश फ्रैक्चर
or are the S or the Z-shaped extension fractures usually filled with the mineral formed along the shear zone. They are also known as hybrid joints. तो यहाँ पर फेदर जॉइंट्स और हाइब्रिड जॉइंट्स दो रिलेशन बताए हैं, ठीक है। यही चीज़ जेनेटिक में भी थी, यही चीज़ आपकी ज्योमेट्रिकल में भी है। अब जो एस और जेड शेप्ड एक्सटेंशन फ्रैक्चर्स बनते हैं उनको आप क्या कहोगे, हाइब्रिड जॉइंट्स कहोगे, और जो 45 डिग्री एंगल पे बनते हैं उनको आप क्या कहोगे, फेदर जॉइंट्स या फिर पिनेट जॉइंट्स कहोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा छोटा था ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन, यहीं तक है। इसके बाद आपका सिग्निफिकेंस है जॉइंट्स का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।